हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी? तो आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक हैं और स्वस्थ भी हैं। तो मैं अभी जस्ट आ रही हूँ पूजा करके। तो पूजा करने के बाद आप लोगों को याद किया है मैंने, और यहाँ पे अभी मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और कूड़े वाला आया हुआ है बाहर, तो कूड़ा भी फेंकना है मुझे। और बाबू गया है नीचे खेलने के लिए, तो सोचा आप लोगों से ब्लॉग का इतने स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो कल का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था? तो जो मेरा कल का ब्लॉग था ना, वो उसमें मेरी जो स्पीच थी वो अधूरी रह गई थी बाबू की हरकतों को लेकर। तो मैंने सोचा आज कुछ बता दूंगी मैं कल के ब्लॉग के लिए, क्योंकि मेरा क्या होता है ना गाइज, मुझे बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग करके और बहुत जल्दी से मतलब उसमें स्पीच डालनी होती है। बाबू मुझे कुछ नहीं करने देता है, तो मॉर्निंग में मुझे 4 बजे 3 बजे उठकर ये काम करना होता है, और रात में तो पूछो ही मत, 11-12 बजे वो सोता है। तो उसके बाद जाके कहीं मेरा काम शुरू होता है, तो तब तक तो मैं भी सो जाती हूँ, मुझे भी नींद आ जाती है। तो जो कल का मेरा ब्लॉग था ना, तो वो ये था कि देखिए, एक तरफ उसके पापा हैं, तो ध्रुव के पापा यानी मेरे हस्बैंड, तो एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं कि मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा है जो अभी सिर्फ 1.5 साल का है, तो वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा था कि मेरा फ़ोन गिर गया तो उसने फ़ोन को उठाकर फिर से वैसे ही वापस से रख दिया। और मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ध्रुव मेरे साथ है, और ध्रुव मुझसे कह रहा है कि मम्मा आप वीडियो बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल भी हो गई थी, पर मैंने आप लोगों को शो नहीं किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा बच्चा मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो उसकी मोमेंट्स होती हैं वो करता है ना, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इतना इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी मैं। और एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था कि उसको प्यास लगी थी और वो मम मांग रहा था मेरे से, तो मैंने उससे कहा बेटा ग्लास दे दो मुझे, उसमें बर्तन में से निकाल के। तो उसने ग्लास निकाला, और छोटा ही है अभी, इतना नहीं बोल भी नहीं पाता अभी, तो वो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोलता, इतना छोटा बच्चा है मेरा, आप सबने तो देखा ही है। तो उसने क्या किया, वो ग्लास निकाला, तो उस ग्लास के साथ साथ एक ऊपर से एक बर्तन और गिर रहा था, तो उसने क्या किया, ग्लास को छोड़ दिया और जो बर्तन गिर रहा था पहले उसको संभाल कर रखा, उसके बाद ग्लास उसने उठाया। अब बाय गॉड, मुझे इतना अच्छा लगा ना उसकी ये हरकत देखकर, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। और मुझे खुद नहीं पता मतलब उसमें कब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीज़ें आ गई, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। और गाइज़ बस प्लीज़ आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और मेरा बच्चा बहुत जल्दी से बहुत अच्छा बाबू बने, और उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं वो ऐसे ही बनी रहें गाइज़, बस लास्ट तक आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पे, और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैं और ध्रुव ही हैं और कोई नहीं है, ध्रुव के पापा तो सुबह ही चले गए हैं, और उनका तो वहीं बाहर ही होता है खाना पीना। तो चलिए, मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पे, खुश रहिए मस्त रहिए। यहाँ पे मैंने बाबू के लिए बनाया है थोड़ा सा दलिया, ज़्यादा नहीं खाता है वो, और ये रात के थोड़े से ना राइस बचे हुए थे, तो ये करी पत्ता और राई और प्याज में मैं इसको बघार रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। जो रात के चावल बचे हुए होते हैं ना, उनको इस तरह से फ्राई करके खाते हैं। और मैं थोड़ा सा इस पर नींबू भी डालूँगी, नींबू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इससे हमें क्या विटामिन सी भी मिल जाता है, और जो हमारे राइस है ना वो भी हमारे ख़राब नहीं जाते हैं, और नाश्ता हेल्दी भी होता है, ये करी पत्ता वगैरह होता है तो इसमें, तो मुझे बहुत पसंद है। पर मैं इसमें हल्दी या मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि हो सकता है बेबी भी खाएगा मेरा, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही राइस की तरह बघार लूँगी। और इसमें अगर आप जो होती है ना वो विनेगर और चाउमीन सॉस जो होती है वो सोया सॉस जिसको बोलते हैं, सोया सॉस और विनेगर भी डाल देते हैं, तो बिल्कुल राइस ये बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हस्बैंड जी को मैं अक्सर ये बनाकर दिया करती थी प्रेगनेंसी के टाइम, मन मेरा भी करता था पर मैं नहीं, मैंने बहुत अवॉइड किया ये सब चीज़ें, राइस चाउमीन और ये टिक्की मोमो वगैरह मैंने बहुत अवॉइड किए थे, पर उस समय लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन में कोई चीज़ मिलती भी नहीं थी, तो जो भी था घर पे ही बना के खाना था, और घर पे भी जो सामान अवेलेबल नहीं होता था तो फिर वो मिलता भी नहीं था।
और देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ गया है चापलों का, जैसे एकदम राइस बिरयानी की तरह ना। और प्याज भी मैंने रेड रेड भुनी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस अभी ये तैयार हैं और मैं थोड़ी सी बनाऊंगी अभी अपने लिए चाय, उसके बाद मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट है तैयार, आ जाइए खाने के लिए। यहाँ मैंने एक बनाना काटा है और फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होता है ब्रेकफास्ट में, और राइस भी तैयार है, और इधर बाबू का दलिया तैयार है, और ये एक रोटी जो रात की बची हुई थी। मैं खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ गाइस, जो रात की रोटी बची हुई थी उसको मैंने नमक लगा के गरम सेक लिया है, हल्का ऑयल लगा के, और चाय भी तैयार है। तो आ जाइए, किस किस को इस तरह का नाश्ता पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो हमारे घर का बचा हुआ खाना होता है ना, वो भी वेस्ट नहीं जाता है और उसको हम हेल्दी बना के खा सकते हैं। और ये देखिए नाश्ता हमारा, हम लोगों का तैयार है। और दिन भर की लाइफ में ना, हमारा सबसे जो पूरे दिन की फीड होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा ब्रेकफास्ट। कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करने से जो होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और हमें वेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वेट भी बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए कभी भी ब्रेकफास्ट अपना स्किप नहीं करना चाहिए, माइंड की भी प्रॉब्लम होती है उससे। तो बस यहाँ पे बाबू को मैंने नहला धुला कर सुला दिया था उसके बाद, नाश्ते के बाद। और फिर मैं अपना जो साफ़ सफ़ाई होती है ना, एक बार फिर से साफ़ सफ़ाई होती है, आपको पता ही है, एक तो मॉर्निंग की होती है और एक उसके बाद जब सब लोग स्कूल वगैरह चले जाते हैं बच्चे, तो फिर उसके बाद भी साफ़ सफ़ाई होती है। तो बस यही मेरे बच्चे का भी रूल है थोड़ा सा, उसको भी नहला धुला देती हूँ मैं, तो उसके बाद और पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब वो उठता है तो उसे फ़र्श जो पूरा क्लीन मिलना चाहिए, और वो ज़्यादातर अपना टाइम फ़र्श पे ही गुजारता है। और यहाँ पे वॉश बेसन बहुत गंदा हो रखा था और 3-4 दिन से धुला भी नहीं था, हालांकि मैं इसको रोज़ धोती हूँ, पर 2-4 दिन से नहीं धुला था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर जो होता है ना साबुन की बोलते हैं उसको, मैल जम गई थी। और ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं, ये तो छूटेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही है, और ये हो सकता है रेड हार्पिक से छूट जाए, मैं कोशिश करूँगी छुटाने की इसको भी, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है वॉश बेसन पर। और वॉश बेसन का तो आपको पता ही है, जब कोई बाहर से आता है तो सीधे वॉश बेसन पर ही आता है, तो बस इसीलिए मैं इसको क्लीन रखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो और छोटे मोटे ये काम होते हैं थोड़े थोड़े, और ये भी मैं निपटा लेती हूँ जब ध्रुव सो जाता है, तो नहीं तो नहीं हो पाता है, वीडियो एडिटिंग में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, और इतना फिर काम भी बहुत सारा होता है। और फिर यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ रखा हुआ था ये, तो मैं इस पर कर रही थी तुरपाई, और ये हुक बटन भी इसमें लगाने हैं मुझे, बहुत दिन से रखा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी नींद तो आ रही थी पर मैं सोई नहीं, फिर ये काम मेरा रह जाता, और फिर जब मैं कहीं जाऊंगी तो फिर याद आएगी कि हाँ मुझे कुछ वो मेरा ब्लाउज भी तैयार होने को रखा था। और सीधे फिर ये मैंने देखिए शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे वीडियो शूट किया था, और ये फिर मैं सिलाई के काम में लग गई थी, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा एक सूट था और ब्लाउज़ था और फॉल भी लगाई थी साड़ी पे। तो यहाँ पे देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, मतलब चने की दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है। और यहाँ पे आप सोया बड़ी भी डाल सकते हैं, पर मैंने सोया बड़ी नहीं डाली, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी प्रोटीन ही है। तो यहाँ पे बाबू को भी देखना पड़ रहा था, तो वहाँ तड़का मेरा भुन रहा है और यहाँ बाबू रोने लगा था, तो मैं फटाक से उसके पास आई, तो इसलिए उसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ पे खिचड़ी मेरी पक रही थी, देखिए चावल को ना अच्छे से, जब तक चावल भुन ना जाए तब तक उसमें मसाले नहीं ऐड करने चाहिए, और चावल को जब अच्छे से भून लेते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी का। और इसको ना हमारे गाँव में तायरी भी बोलते हैं, तायरी अभी भी बोलते हैं, पर अब इसको खिचड़ी का नाम दे दिया गया है, तो इसलिए सब लोग खिचड़ी बोलते हैं, तो मैंने भी खिचड़ी बोल दिया। और ये देख सकते हैं 2 सीटी सिर्फ मैंने इसको लगाई थी, बहुत ही कम पानी में बने हैं ये राइस, और बहुत ही अच्छे एकदम खिले खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी भी लग रहे हैं खाने में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्व करूँगी अपने लिए और ध्रुव के लिए, क्योंकि उसे खिलाना बहुत ज़रूरी है। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं यहाँ पर, तो अभी देख सकते हैं चावल को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, और दाल को भी अच्छे से, तो इसलिए दाल जो है पूरी तरह से गल चुकी है 2 सीटी में, नहीं तो वैसे नहीं गलती है। तो नींबू और प्याज का सलाद है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये चटनी मैंने बनाई है, बहुत ही टेस्टी चटनी है, इसमें लहसुन प्याज और नींबू और
हरी मिर्च पड़ी हुई है और बहुत टेस्टी लग रही है, एकदम पतली पतली। ये देख सकते हैं दाल भी पूरी तरह से गल गई है। और बस आ जाइए खाने के लिए। किस किस को इस तरह की खिचड़ी पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, तो बस मुंह में पानी आ रहा था, नींबू छिड़का ऊपर से और खाने लगे। तो वो ध्रुव तो बहुत कम खाता है पीली खिचड़ी का, उसे बहुत कम शौक़ है। और यहाँ पर ऑनियंस खा रहा है आप देख सकते हैं, पर उसको ऑनियंस में मिर्ची लगी तो उसने फेंक दी। और मैं उसे खिचड़ी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो खा नहीं रहा है। तो अपने से खुद से खाएगा, मुझे देखकर तो खा लेगा, नहीं तो सीधा पापा के साथ ही खाएगा रात को। और अभी थोड़ा सा हम लोग खा रहे हैं, उसके बाद ही खाएंगे, साथ में ही खाएंगे जब ध्रुव के पापा आ जाएंगे तो, क्योंकि वो आज जल्दी आ जाएंगे। और खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, नींबू के साथ तो इतनी टेस्टी लग रही है, ज़रूर बना के खाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।